सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। और 3% सॉल्यूशन जो कि इंटास फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, 60 ml में एक बोतल में पैक रहता है ये मोर 3% सॉल्यूशन, और इसका MRP है 465 rupees। इसका MR के अंदर जो दवाई डाली गई है वो दवाई है मिनोक्सिडिन 30% डाला गया और एब्सोल्यूट अल्कोहल 40% डाला गया है, और इसको स्टोरेज रूम टेम्परेचर के ऊपर ही करना पड़ता है। तो इसको यूज़ किया जाता है केवल आपको हेयर लॉस होते तब इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपके अलोपेशिया हो रहा है, आपको दोनों साइड से हेयर जा रहे हैं, तो उस केस में इसको रिकमेंडेड किया जाता है। अदरवाइज जो आपका जो मेन पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है या फीमेल में हेयर लॉस हो रहा है तब इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपके दाढ़ी के अंदर बाल नहीं आ रहे हो, थोड़ा गैप गैप हो रहा है, तब भी डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं मोर 3% सॉल्यूशंस के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इसका यूजेस क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, आप इसे ज़्यादा लगाओगे तो आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और इसको कैसे यूज़ करने का, इसका क्या सही तरीका है, और इसको लगाने के बाद जो मिनोक्सिडिन आपके इसके अंदर प्रेजेंट है वो कैसे काम करेगा, और जब भी आप इसे लगाओगे तो आपको क्या क्या सेफ्टी एडवाइस रखने का, और अगर आप इसका डोज मिस कर दो तो नेक्स्ट डे कैसे लगाने का, और अगर आपको ये डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है मोर 3% सॉल्यूशन के एरिया में नहीं मिल रहा तो आप इसके अल्टरनेट ब्रांड की तरफ कैसे जा सकते हो। तो संपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, तो आके आपको मोर 3% सॉल्यूशंस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। मोर 3% सॉल्यूशन जो कि इंटास लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाता है, इनका मोर 2% आता है, मोर 3% आता है, मोर 5% आता है, और मोर 10% आता है, और मोर 5% एप आता है जिसके अंदर फिनोस्ट्राइड रहता है, और मोर 10% एप भी आता है। तो ये सब इसके सॉल्यूशन से जो कि डिफरेंट केसेस में डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। तो आज जो हम लेके आए वो मोर 3% सॉल्यूशन है जो कि इंटास लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाता है। दवाई की बात करें तो मिनोक्सिडिन 30% इसके अंदर डाला गया है, और ये 60 ml की एक छोटी सी बोतल में रहता है जिसका MRP 465 रहता है। तो ये मोर 3% सॉल्यूशन जो कि इसके अंदर कंटेन है मिनोक्सिडिन, वो एक वैसोडाइलेटर है जो कि क्या करता है कि नसों को फैला देता है और ग्रोथ करता है। मेन के आदमी के पैटर्न के अंदर यूज़ करते हैं जब उसको एलोपेशिया वगैरह हो जाता है। तो मोर 3% सॉल्यूशन को लगाया जाता है डायरेक्टली आपके स्क्लेप के ऊपर जहाँ पे इफेक्टेड एरिया वहाँ पे लगाया जाता है, और आपको इसका रिजल्ट पाने के लिए आपको 2 से 4 महीना लग सकता है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, सेटिस्फेक्शन रिजल्ट। और इसको यूज़ किया जाता है केवल मेल हेयर लॉस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा लगाओगे, डॉक्टर की सलाह से नहीं लगाओगे और कंटिन्यूसली लगाई जा रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्किन में इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है। और इसको कैसे यूज़ करने का है कि डॉक्टर की सलाह से यूज़ करने का, डॉक्टर जब तक बोले तब तक इसको यूज़ करने का। इसके अंदर ड्रॉपर भी दिया गया है और स्प्रे भी दिया गया है, तो आपको हमेशा ड्रॉपर की सहायता से लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे भी इफेक्टेड एरिया वहाँ पे इजीली गिर जाएगा। और अगर आप इसको स्प्रे की सहायता से लगा रहे तो वो बार बार ही रह जाएगा आपका, अगर हेयर बढ़े तो वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो आपको इसको ओपन करने का, इसके अंदर जो लिपलेट है उसको अच्छी तरह से पढ़ने का ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके, और इसके अंदर जो ड्रॉप ढक्कन है उसको ओपन करो, उसके बाद ड्रॉपर अंदर डालो, उसके बाद उसको प्रेस करो 1 ml तक लो, उसके बाद आपको जहाँ पे इफेक्टेड एरिया वहाँ पे पोर करो ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है, मिनोक्सिडिन काम कैसे करता है, तो मोर 3% सॉल्यूशंस के अंदर मिनोक्सिडिन 30% डाला गया है जो कि एक पोटेशियम चैनल ओपनर है जो कि वैसोडाइलेटर है और ब्लड वेजल्स को ओपन करता है, और आपके ब्लड वेजल्स के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिसके कारण जो डेड सेल है तो वो भी अच्छे से रहेगा और हेयर फॉलिकल्स के वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है हेयर वगैरह। तो ये एलोपेशिया में यूज़ होने वाला एक सॉल्यूशन है। तो इसको कौन कौन नहीं लगा सकते कि जिस दिन आपने अल्कोहल वगैरह किया तो उस केस में ये सेफ नहीं है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट वुमेन वुमेन है तो उस केस में आपको ये सेफ नहीं रहता है, अगर आपको किडनी लीवर या किसी भी टाइप का कोई डिसीज है तो उस केस में भी ये सेफ नहीं है। तो मोर 3% सॉल्यूशंस के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट की हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।